हाँ जी फ्रेंड्स, तो मम्मी की तरफ से आज आपके लिए एक बड़ी झटपट सी लजीज चिकन कबाब की रेसिपी हाजिर है। एंड हाँ जी, तो एक तरफ हो रही है प्याज अनियन जो है वो फ्राई हो रही है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो फ्राई कर दिया है। एंड यहाँ पे लिया है चिकन बोनलेस, राइट, बोनलेस चिकन है यहाँ पे। एंड उसको मिक्सी में डाला है। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी में, मतलब जितना आप देख रहे हो उतनी क्वांटिटी में इसमें जाएगा नमक। एंड ऑल्सो आप ना नमक फ्रेंड्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, देयर इज़ नो लाइक कि मतलब क्या है, मतलब हाँ इतनी क्वांटिटी तो होनी चाहिए बाकी। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन विद फ्राइड अनियंस यहाँ पे मिक्स हो गया, उसके ऊपर मम्मी ने हल्दी डाल दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं मसालों के नाम यहाँ पे लिख दूंगी, आप उससे समझ जाइएगा क्या कौन कौन से मसाले इसमें डले हुए हैं, ठीक है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे है सामने। सो फ्रेंड्स, इन सबको आपको एक साथ मिक्स कर देना है। एंड जो भी आपको पहले मैंने मिंट लीव्स दिखाया है एंड कोरिएंडर लीव्स दिखाया है एंड रेड ग्रीन चिली दिखाया है और क्रश्ड जिंजर दिखाया है, अनियन दिखाया है, वो सब आपको जब आप चिकन को फ्राइड अनियन के साथ मिक्स कर लोगे ना मिक्सी में, तो उसके आफ्टर दैट आपको इन सबको एक साथ मिक्स कर देना है। एंड सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, जस्ट अच्छे से मिक्स। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और नमक डाल रहे हैं बिकॉज टेस्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, एंड दैट्स फाइन, तो वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। एंड देन उसको अच्छे से हाथों से जो है ना मिक्स करना है बिकॉज दैट विल बी वेरी मच यू नो टाइम सेविंग एंड ऑल्सो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास एक स्टिक है जो सीख स्टिक बोलते हैं जिसे, तो उससे ना शेप दिया है कबाब्स के, ना आप देख सकते हो माशाल्लाह कितने लजीज लग रहे हैं, बहुत टेस्टी भी थे खाने में। सो ये रेडी हो रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके साथ मम्मी ने ना लच्छा पराठा बनाया था। माशाल्लाह मम्मी लेकर आई है चिकन के कबाब्स, केबाब्स बहुत टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट दिखने में तो लग ही रहे हैं, खूबसूरत भी लग रहे हैं दिखने में, लाइक सजे वजे हुए हैं। देखो पानी ग्लास में एंड देन फ्रूट्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू मम्मी फॉर दिस, है ना। ये चिकन का है और अभी इसको इसके साथ खा के देखते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सा ना इस पे ऐसे कर लेते हैं, हाय मुंह में पानी आ रहा है ना। फ्रेंड्स, बड़े ही प्यार से बड़े ही सॉफ्ट तरीके से जो है वो ये टूट गए हैं और बहुत ही जूसी लग रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। हाँ जी फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।